तकरीबन रोजाना ही बटाला विच चोर चोरी दीयां घटनावां नूं अंजाम दे रहे हन। लोकां विच सहम दा माहौल बनिया होया है। हर कोई कह रहा है हुण असीं अपने घरां विच वी सुरक्षित नहीं हां। तां ताजा घटना अज सवेरे तड़कसार बटाला तों सामने आई है, जदों दो चोरां वल्लों बटाला दे सिटी रोड, जो कि बटाला दा इक भीड़ भाड़ वाला इलाका है, उत्थे चोरां ने दो कपड़े दे शोरूम नूं अपना निशाना बनाया अते लखां रुपए दा शोरूम दे गल्ले अते लाकर विचों लै के फरार हो गए। मौके ते पहुंची पुलिस कर रही है जांच। चोरी दी वारदात शोरूम अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे विचों ही कैद। देखो बटाला तो परमिंदर दी खास रिपोर्ट। मेरा राजेश कुमार है जी, ये साड़ी कपड़े दी दुकान। राती मैं सवेरे दुकान दा खोली आ ते आण के दुकान ते वेख्या वा कि जिहड़ा गल्ला वा उहदे उत्ते जिहड़ा इक सबल पई दी है, इक पेजकस पिया दा ते गल्ला मेरा खुल्ला दा। मैं गल्ले दुकान ते चोरी हो गई आ ते मैं अपना लाइट जगाई आ ते पिछे वेख्या वा कि अपना जिहड़ा लिफ्ट दा दरवाजा वा ओह पिछे जाके वेख्या मैं कि लिफ्ट दा दरवाजा जिहड़ा वा टुटा दा वा ए। फिर मैं पिछों ही दरवाजा मुंडे को खिलाया, मैं खोल यार पिछे की गल है, उपर शटर खोलिया वा। उपर शटर खोलन तो बाद वेख्या वा कि थले बंदा लिफ्ट तोड़ के थले आया। लिफ्ट तोड़न तो बाद सीधा गले के कोल आया वा ते गले तो मेरा कैश चोरी करके लिया गया। 9 लाख रुपए का कैश है। होर कोई एक थान नहीं चुकया गया जी, कोई चोरी नहीं हुई, होर सिर्फ कैश चुकया गया जी। हाँ जी, नहीं है वेख रहे, चेक कर रहे पे कैमरे। अच्छा जी, भूषण जी हट्टी खड़ोते हैं जी। रात इतने 2:25 मुताबक कैमर चोरी हुई है जी। ये गले 6 लाख गए आने चोरी करके लैके गए आ। प्लस देव की हट्टी तो 9 लाख रुपया मुताबक देव जी मुताबक लै गए, बाकी कर रहे हैं वेरीफाई। तो कैमर तो एक दो बंदे आए ने तो चेक करके तुम दस रहे। सामने चौकीदार रात पुलिस ने चौकीदार ही रखे हुए सामने, वेरीफाई चौकीदार बुला रहे हैं अपने को रात कितने जी। और साढ़े दुकानदार इकट्ठे करके पैसे देंगे, चौकीदार ना रखे हुए जी। इस रोड से चार चौकीदार घट्टो घट्ट है जी। कपड़े का शोरूम है सिटी रोड से भूषण दी हट्टी के नाम से। अज सवेरे लगभग 9:30 के लगभग जो मैं अपना शोरूम खोलन आया तो मैं खोल के अंदर जो गया तो जो अपने काउंटर से बैठन लगा तो देखा कि सारे दराज जोड़े है ज मेरे जो लॉकर है सारे टुटे हुए। तो वह लॉकर टुटे होने कारण मैनू कोई शक पाया कि कुछ दुकान के अंदर तोड़ भन्न हुई है। तो वह जो मैं अपने उपर फ्लोर पर गया तो उत्थे भी सारे जिस तरह अपने काउंटर कैश काउंटर आ उत्थे सारे गले दराज सारे लॉकर टुटे हुए थे। उस तो बाद मैं जो छत वाले बन्ने गया तो रस्ते मेरे 3 गेट लोहे के आते, मैं देखा कि 3 गेट टुटे हुए हैं। छत जो मैं गया तो मोंटी के जेडी लगा हुआ गेट सेगा वो भी ताले और गेट में तोड़िया हुआ। और सीसीटीवी फुटेज मैं देखा कि 2 लड़के जेडे अंदर सारे दराज तोड़ रहे और कैश जो थले उपर गले सारा लैके गए और कि समान गया कि कैश गया जी समझना एकदम च मुश्किल है। और मैनू पता लगा कि बाजार से एक होर भी जी इस तरह की चोरी सेम रात में हुई है। और साड़ी समझ तो बाहर है कि मतलब असी मेन बाजारों बह के भी अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर रहे, क्योंकि साड़ी दुकान तो लगभग इस तो पहला भी 3-4 वारी जी छत तो 8-10 लाख रुपए की तारा की वायरिंग की बैटरिया की सारे समान की चोरी हो चुकी है। साड़ी प्रशासन में यह अपील है कि यहोजे जे समाज के अंदर जे चोर चक्के जी वारदात होती है उन्होंने ठल पाई जाए ताकि व्यापारी जो अपने आप को सेफ महसूस कर सके। कितना कैश गया लगभग अंदाजा लाना मुश्किल है, फिर भी जरा अंदाजा सीधा सीधा वह क्योंकि साढ़े को व्यापारियों का भुगतान करने वास्ते या कैश लैन जो आता है व्यापारी असं सोचते कि रात घर में जाना कि सेफ है लैके जाना अच्छे लॉकर से कई बार रख जाने लगभग 5.5 to 6 लाख का जो कैश है वो बिल्कुल जिदा तुम्हें दसा कि व्यापारी सेफ नहीं है। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੋਰੀ ਹੈ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ 2 ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਵ ਇੰਪੋਰੀਅਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਚੋਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੇ ਦਾ ਗਰੋਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਦੇਖਣ 'ਚੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 2:30 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਤ ਦੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਪੀਲ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਆ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਵਧੀਆ।